गांजी अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट तो बन रहा होगा, आज लिया होगा तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे रखें। तो अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। उसका रीजन यही है कि एक तो ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है, इसके पास खुद का आयरन ओर है, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से ये जो आयरन ओर की प्राइजेस है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने मल्टीपल बॉटम्स बना लिए हैं 115-117 के करीब, और वैसे देखा जाए तो पैटर्न काफी एक संभला हुआ पैटर्न है, ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखेंगे तो वहां पे ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है, यहाँ से और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करें, 120 स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि वापस से स्टॉक कम से कम 140-142 के लेवल्स दिखा सकता है, 140 और 150 हैं, बट ऑफकोर्स बैन में आने की तैयारी है, सेल स्टील अथॉरिटी के इस काउंटर पर रखेगा नजर। 7.5% ऊपर आज हिंदुस्तान कॉपर है, मेटल्स के पेस के जो आज ब्रेकआउट्स हैं वो काफी